हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज का व्लॉग है वीकेंड का, संडे आफ्टरनून का टाइम है और लंच और सब कुछ हो गया है और वीर कर रहा है रिलैक्स यहाँ पे। मैं अपने काम में बिज़ी हूँ और हस्बैंड ओपन कर रहे हैं टीमू का, कुछ ऑर्डर किया था वो। ये मेरा पहला है कुछ चीज़ जो मैंने टीमू से बाय किया है। वैसे कई ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें होती है ना, इस पर बाय करने का मन कर जाए ऐसी, पर इस बार मैंने देखा कि ये चीज़ जो अच्छी आए बाद में कुछ ऑर्डर करूँगी। तो बहुत ही सस्ते में मिल गया ये साइड टेबल, लाइक कोई टेबल स्टडी टेबल के साइड पे आपको रखना हो कुछ फाइल फोल्डर्स बुक्स और ऐसा कुछ, और स्पेस कम हो तो बहुत अच्छे से ये दिखा मुझे। देखते हैं ये ओपन करके असेंबल करके देखेंगे तब पता चलेगा। और मेरे घर में कोई भी ऐसी चीज़ें आती है तो हस्बैंड बहुत ही उतावले होते हैं, उन्हें सब नई चीज़ें आके उसे असेंबल करना, उसको खोल के देखना, उनको बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा वो एक्साइटेड होते हैं। किसी की भी चीज़ ऑर्डर की हो, कुछ भी पार्सल आया हो अमेज़ोन से या किसी भी जगह पे से, तो वो सबसे पहले ओपन करना चाहते हैं, उनको बहुत ही एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ों में। तो वो ही जनरली करते हैं असेंबल भी, जो भी करना है वो तो वही वो लेके बैठे हैं और मैं मेरा काम लेके बैठी हूँ। वेदांत की कल थी एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो कई दिनों की बहुत सारी मेहनत के बाद आज वो कर रहा है रेस्ट। कल एग्ज़ाम फिनिश हुई ना, तो आज उसे पूरे दिन नींद निकालनी है। तो वो अपने बेडरूम में है, डिनर करके वो सो गया है और कल से फिर से शुरू हो जाएगी स्कूल। और वीर को टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं था एक्चुअली। धूप बहुत ज़्यादा है बाहर, तो बाहर ले भी नहीं जा सकते बच्चों को। 7:30 तक टेम्परेचर 90 अप रहता है, तो बहुत गर्मी लगती है। तो पार्क में भी आना जाना नहीं रहता। और मैं ग्रीन चिली लेके बैठी थी, बहुत सारे ग्रीन चिली बैकयार्ड में आई, तो सोचा थोड़ी सी विंटर के लिए स्टोर भी कर लूँ। तो उसी लिए मैं बना रही हूँ जिंजर चिली, गार्लिक और ग्रीन चिली की पेस्ट, थोड़ी सी स्टोर करूँगी। और अभी जब तक ग्रीन चिली अवेलेबल है तब तक खाएंगे घर में, वरना मैं जनरली रेड चिली ही पसंद करती हूँ खाने में, रेड चिली पाउडर ही। और ये परफेक्ट आफ्टरनून है, डिनर में एकदम लाइट सा कुछ खाएंगे, लंच हमारा हो गया है, तो कुछ एक्स्ट्रा नेक्स्ट वीक की प्रिपरेशन भी करेंगे। और अभी रिलैक्सिंग टाइम है, शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ हो गया है। जनरली हमारा शॉपिंग संडे नून तक हो ही जाता है, उसके बाद कोई इमरजेंसी शॉपिंग करना हो ना तब भी हम जाते हैं। वो पहले से इसी तरह से हमारा चलता है कि संडे आफ्टरनून में हो सके तब तक बाहर नहीं निकलना, घर पर ही रहो और बच्चे लोगों के साथ एंजॉय करो और कमिंग वीक के लिए प्रिपरेशन करो। और वीर पूरे फॉर्म में था, एकदम हैप्पी सा, बच्चे लोगों को इस तरह से हैप्पी देखे अच्छा लगता है, क्योंकि संडे आफ्टरनून में बच्चे हैप्पी हो मतलब उन लोगों को स्कूल में अच्छा खासा पसंद आ रहा है, स्कूल में कोई सचेस कोई बिग ट्रबल नहीं है, तभी बच्चे लोग संडे आफ्टरनून में हैप्पी रहते हैं। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, हस्बैंड अपने काम में बिजी है। और वीर को देखिए बैकग्राउंड में, वो तारक मेहता दिखता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा गरबा और ये कुछ आता है, तो बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने की ट्राई भी करता रहता है। तो हमारे घर में बाय डिफ़ॉल्ट तारक मेहता कई बार चलता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा देखते थे, अब तो बहुत कम हो गया है। फिर भी वीर को समझ नहीं आता एक्चुअली, पर वो देखता रहता है कुछ ना कुछ, जो एक दो वर्ड्स उसे समझ में आ जाए। वो मुझे बोल रहा था उसे लैंग्वेज सीखनी है, इसीलिए वो इंडियन सीरियल्स और कुछ देखना चाहता है। खैर, यहाँ पे मैंने अदरक और जिंजर को सुबह ही वॉश करके ड्राई कर लिया था और इसे 2-3 घंटे के लिए मैंने उसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। इस तरह से करने से आपकी पेस्ट बहुत अच्छी बनेगी, एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर कुछ भी रहता है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो वो ख़राब भी नहीं होगी, बहुत दिनों तक फ्रेश रहेगी। और यहाँ पर ग्रीन चिली डाल के मैंने सॉल्ट डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल, तो ये दोनों प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं और ये ग्राइंडिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको इस तरह से कई दिनों तक इसे चलाना हो तो अच्छे से ऑयल और सॉल्ट डाल लीजिए। और ये मैं कर ही रही थी तब हस्बैंड ने ये कर दिया असेंबल। तो वेदांत का स्टडी टेबल है, उसके साइड में ये रख देंगे, व्हील्स है उसके साथ तो इजीली मूव भी कर सकते हैं, ऊपर कप होल्डर्स भी है, तो बहुत अच्छा लगा अभी तो मुझे इस पॉइंट पे। तो देखते हैं यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कैसा है। और ये सिर्फ $12 में आया, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, तो हम लोगों ने रिस्क ले लिया ऑर्डर करने का।
और ये मेरी ग्रीन चिली पेस्ट में से आधी से ज़्यादा मैं करूँगी स्टोर। ग्रीन चिली बहुत ही कॉस्टली हो जाती है कई बार, तो मैं इसे स्टोर करके पूरे साल यूज़ करती हूँ। इस तरह से पेस्ट भी बना के स्टोर करती हूँ, इसके क्यूब्स बना लूँगी, और थोड़े से मैं ग्रीन चिली को छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर लेती हूँ, और समटाइम्स थोड़ी सी ग्रीन चिली को ऐसे ही डंठल निकाल के पूरी ही स्टोर कर लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे हल्का सा ऑयल थोड़ा सा कम लगा, तो ऑयल और सॉल्ट डाल के इसको मैं एकदम बारीक बारीक सी पेस्ट बना लूँगी, ताकि कोई भी बड़ा सा पार्ट रह ना जाए, और एक स्मूथ सी बाहर से लाए हो ना ऐसी एकदम बन जाए। और इस पेस्ट में मैंने गार्लिक और जिंजर ज़्यादा यूज़ किया है हरी मिर्ची से, ताकि आपको रेड चिली भी थोड़ी सी डालना हो ना सब्ज़ी में, तब भी बहुत अच्छे से बैलेंस आउट हो जाए। और ये हरी मिर्ची है ना, वो सब इतनी स्पाइसी नहीं है, कहीं कहीं हरी मिर्ची मीडियम स्पाइसी नेस लेवल की भी है, इसलिए बहुत स्पाइसी नहीं हो जाता ये जो पेस्ट बनाई है वो। और दो तीन बार मैंने मिक्सी में ही इसे करके एकदम बारीक बारीक कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे आप चाहो तो हल्का सा विनेगर भी डाल सकते हो प्रिजर्वेटिव के रूप में, पर ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं फ्रीज़र में डालूंगी आधी, और आधी एक आध वीक में तो ख़त्म हो ही जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत बड़े बल्क में लाए हो जिंजर या गार्लिक, ऐसे कॉस्को में से जो गार्लिक लाते हैं बहुत अच्छा होता है, पर पैकेट और छोटा नहीं आता कॉस्को में से, इसीलिए पेस्ट बना के रखना ही अच्छा होता है, वरना गार्लिक ख़राब ही हो जाता है, 10-12 दिन के बाद वो ड्राई आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने आइस क्यूब्स में इस तरह से एक एक क्यूब बना लूँगी, और इसे ठंडा हो जाए क्यूब्स के शेप में आ जाए, फिर जिपलॉक में स्टोर करके रख देती हूँ। तो पूरा साल में बैकयार्ड से जो ग्रीन चिली मिली है उसी ग्रीन चिली से काम चलाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। पिकल भी बना लूँगी, इस तरह से पेस्ट भी बना लूँगी, कट करके चॉप करके भी डालूँगी, और थोड़ी सी ग्रीन चिली बिना कट किए डंठल के साथ, और जो भी ग्रीन चिली बच जाए उसको मैं रेड होने देती हूँ और उसे सन ड्राई करके स्टोर कर लेती हूँ। तो अच्छा खासा यूज़फुल हो जाता है। और मेरे ससुराल में मोस्टली ग्रीन चिली की पेस्ट ही यूज़ करते हैं कुकिंग में, मेरे मम्मी के यहाँ पे रेड चिली यूज़ करते हैं। तो दोनों तरफ के खाना बनाना मुझे आता है कि ग्रीन चिली को यूज़ करके किस तरह से कुकिंग में किस तरह का स्वाद आता है और रेड चिली से कैसा आता है। तो ग्लास जार में अच्छे से मैंने स्टोर कर लिया, एक्सेस जो भी साइड पे लगा हो उसे वाइप करके इसे फ्रीज में कम से कम 10 दिन तक बिल्कुल वैसे की वैसी रहेगी, कलर भी चेंज नहीं होगा, एकदम अच्छी सी रहेगी फ्लेवरफुल। और आज बनाई थी मैंने बेसन की बर्फी, हमारे यहाँ इसे बोलते हैं मगज, ये मावा या मिल्क पाउडर कोई भी चीज़ नहीं चाहिए आपको, और ना ही इसे चाशनी बनाने की ज़रूरत है। सो जिन लोगों को ऐसा हो ना कि चाशनी बनाने में इतना कॉन्फिडेंस ना हो, वो लोग इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और ट्रैवल फ्रेंडली रेसिपी है ये। तो यहाँ पे मैंने बेसन, घी, पाउडर शुगर और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट करके मिक्स लिया है, साथ में कार्डमम पाउडर और जो भी चीज़ चाहिए इसमें सब निकाल ली है, इतनी ही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए नहीं। तो घी को मैंने यहाँ पे पैन में रख लिया, और बेसन को हम भुनेंगे। बेसन जो हम रेगुलर किचन में यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, अगर मगज़ का स्पेशल जो बेसन मिलता है वो यूज़ करो तो बेटर रहेगा, टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो मगज़ के लिए जो होता है ना बेसन, वो थोड़ा सा दानेदार होता है, नहीं तो फिर आप रेगुलर बेसन में 1 टेबल स्पून जितना सूजी डाल दीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद इसे रोस्ट करना है। रोस्ट करना बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ करना पड़ता है, अगर बेसन थोड़ा सा भी कच्चा रह गया ना तो आपकी बर्फी एकदम ख़राब हो जाएगी और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी। तो बहुत पेशेंस के साथ लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूनना है, मीडियम फ्लेम से हाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये एक घी रिलीज़ करने लगे, आप देख सकते हो घी रिलीज़ होने लग गया है, पर इसका कलर अभी भी लाइट है, थोड़ा सा कलर डार्क होगा तब तक हम इसे भुनेंगे। तो ये एक कप पेशेंस वाला काम है, कम से कम 15-20 मिनट लग ही जाएंगे एक कप बेसन को, इस तरह से 2 कप बेसन लिया है मैंने यहाँ पे, इसको भुनने में 15 मिनट तो कम से कम लग जाएंगे। और इसे कंटिन्यूसली मिक्स करना है, बिल्कुल भी लीव नहीं करना है, नहीं तो बेसन जहाँ भी टच कर रहा होगा वहाँ पे जल जाएगा। और ये देखिए कलर हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इस स्टेज पे हम डालेंगे मिल्क, यहाँ पे 2 से 3 स्पून जितना मिल्क यूज़ करेंगे हम। इससे क्या होगा ना कि एकदम दानेदार मिक्सर बनेगा, एक कंसिस्टेंसी, एक टेक्सचर टेक्सचर जो आएगा ना वो बहुत अच्छा आएगा।
तो एक चम्मच डाला है मैंने, और उसके बाद इसे भुनेंगे। जब तक ये मिल्क पूरा इवेपोरेट ना हो जाए तब तक इस तरह से भूनते जाएंगे और 3 चम्मच जितना मिल्क बारी बारी से डालते जाएंगे। अगर आप मिल्क की जगह पे पानी डालो तब भी चलेगा, पर मिल्क से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और एक स्मूथनेस आएगी। तो ट्रेडिशनली मिल्क ही यूज़ करते हैं, पर आप चाहो तो वाटर भी यूज़ कर सकते हो। छींटे डाल दीजिए वाटर के और फिर इसे मिक्स कर देना है। इस तरह से इसके दाने अच्छे से सोक कर लेगा, जो मॉइस्चर हमने डाला है वो तो फूले फूले से बनेंगे। इसे डालने के बाद हमें 1 मिनट तक भूनना है इसे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर रह गया वो ड्राई आउट हो जाए, ताकि हमारी बर्फ़ी ख़राब ना हो। अब मैंने इसे पैन पे से ले लिया है नीचे, और इसे हमें करना है मिक्स। पैन पे से उतारने के बाद आधे मिनट से 1 मिनट तक इसे मिक्स करते रहना है। उसके बाद हम डालेंगे, सॉरी स्टोव पे से निकाल लिया है, पैन में से मैंने बोला स्टोव पे से निकाल लिया है। उसके बाद डाला कार्डमम पाउडर, और ये हल्का सा ठंडा हो गया है, एकदम अल्ट्रा गर्म नहीं है। उस स्टेज पे हम डालेंगे पाउडर शुगर। तो पाउडर शुगर डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है। अभी भी हमारा मटेरियल अच्छा खासा गर्म है, तो पाउडर शुगर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और ये देखिए स्टोव पे नहीं है अभी, ये बात ध्यान में रखना है। स्टोव से नीचे उतारने के बाद ही इसमें हमें डालनी है शुगर, थोड़ा सा ठंडा हो उसके बाद। ठंडा मतलब एकदम ठंडा नहीं, ल्यूक वार्म से गर्म, पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। और ये देखिए शुगर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया, और हमें इसे ग्रीस की हुई प्लेट में स्प्रेड कर देना है। आप चाहो तो इससे लड्डू भी बना सकते हो, लड्डू भी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे आप तो बहुत अच्छे से लड्डू भी बन जाएंगे। तो बेसन के लड्डू के लिए भी एक परफेक्ट रेसिपी हो जाएगी, और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है इस तरह से, बहुत हार्ड भी नहीं होते और बहुत परफेक्ट हो जाएंगे जब ये ठंडा होगा। तो इसे हमने स्प्रेड कर दिया ऊपर, यहाँ पे कलन सॉरी ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल दिया, अपनी पसंद के चारोली डाला और पिस्ता, पिस्ता से कलर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी देर इसे रहने देंगे और उसके बाद कर देंगे पीसेस जब ये ड्राई हो जाए। और ये देखिए एकदम परफेक्ट बनती है, और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। आप चाहे तो लड्डू भी बना लीजिए, ना ही चाहिए हमें इसमें मावा और ना ही चाहिए चाशनी बनाने की झंझट। एकदम इजी, एकदम टेस्टी, और हमारे घर में यही रेसिपी है। बच्चे लोगों को भी बहुत पसंद आती है और घर में सबको बहुत ही अच्छी लगती है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, ना ही मिल्क पाउडर, मावा, कुछ भी नहीं। तो ट्राई दिस रेसिपी, लास्ट मोमेंट पे कोई रेसिपी बनानी हो तो ये परफेक्ट रेसिपी जाएगी। Some other time. तो आज संडे इवनिंग है, विदन भी आया है नीचे अभी, और आजकल हम कैरम की जगह पे ऊनो फ्लिप ले के बैठते हैं, वीर को बहुत पसंद है। तो आधा एक घंटा हम लोग प्ले करेंगे, फैमिली टाइम हमारा होगा अभी। और डिनर में एकदम हल्का फुल्का खिचड़ी खाएंगे आज। मोस्टली संडे इवनिंग को हम एकदम लाइट ही खाते हैं, नेक्स्ट डे बच्चे लोगों का स्कूल होता है तो कुछ लाइट ही खाना प्रेफर करते हैं। तो मैंने खिचड़ी रख दी है, खिचड़ी और कढ़ी हो जाएगी रेडी, तब हम खा लेंगे। उससे पहले 1 घंटा अच्छे से प्ले करेंगे। कुकर की विसल पड़ रही है, थोड़ा सा ठंडा होगा तब तक हमारा डिनर भी हो जाएगा। एक्चुअली डिनर हम बहुत अर्ली करते हैं। और ये देखिए वीर को एकदम पूरा छोटा बच्चा घर में जो जो लेता है ना अपने राइट्स बोल के, वो सब यूज़ करता है कि मैं छोटा हूँ घर में तो सबसे ज़्यादा पैम्परिंग मुझे मिलेगी। ब्रा और ये गेम जीत गया, जिताना पड़ा, वरना इसका रोना धोना और बहुत मस्ती चालू हो जाता है। वैसे सबसे छोटा हो ना घर में, वो उसे ऐसा हैबिट रहती है। मेरे हस्बैंड भी सबसे छोटे हैं घर में, तो वो इससे कर सकते हैं कनेक्ट। वेदांत और मैं, हम दोनों बड़े हैं घर में, हमें पता है घर में सबसे बड़ा सिबलिंग होना क्या होता है। और ये देखिए मेरी हालत कैसी कर दी इसने एकदम। I think this time baby gonna win. Let's see. और तभी डोरबेल रिंग हुई, तो हस्बैंड और वी जा रहे हैं, अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया था।
एक्चुअली लॉन्ड्री में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लॉन्ड्री का मशीन शेक करते करते बाहर आ गया था, तो उसका पाइप जो है ना पानी बाहर जाता वो निकल गया था, तो पूरा लॉन्ड्री रूम पानी पानी हो गया था, तो नीचे के फ्लोर तक पानी आ गया था। तो हम लोगों ने दो एक चीज़ ऑर्डर की थी लॉन्ड्री मशीन के लिए, जो वो शेक होके मूव ना हो उसके लिए उसके लेग्स ऑर्डर किए थे सक्शन वाले, और लॉन्ड्री रूम के बाहर एक कुछ टेप लगाएंगे ताकि जो भी कभी भी पानी गिरे तो बाहर ना आ जाए। तो वही आया, और एज यूजुअल हस्बैंड ऐसी चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। और ये डोर के पास लगाएंगे ताकि वाटर स्पिल हो ना तो बाहर नहीं आ जाए लॉन्ड्री रूम के। और ये देखिए वेदन को भी इतना परेशान करता है ना, जब भी वेदन नीचे आता है तो उसे बहुत परेशान करता है। Okay, let's do this. Assemble this. No.